हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं विजय टिप्स यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर आज हम हमारी डिविजिबिलिटी ट्रिक्स सीखेंगे। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं टू की। कोई भी नंबर टू से डिवाइड कैसे हो सकता है? अगर वो इवन नंबर है, या यूं कहें कि जो उसका यूनिट डिजिट है, मीन्स इकाई का जो अंक है, वो 2, 4, 6, 8 या 0 हो, तो वो नंबर दो से डिवाइड होगा। जैसे हम इन नंबर्स को देखें, इकाई का अंक 0 है, यहाँ भी 0 है, डेट मीन्स ये नंबर भी 0 से डिवाइड होगा और ये नंबर भी, सॉरी, 2 से डिवाइड होगा। हम डिवाइड बाय 3 की बात करें, इसमें हम क्या करते हैं कि सम ऑफ द डिजिट्स, मीन्स अंकों का जो जोड़ है, वो 3 के पहाड़े पर आना चाहिए, 3 की टेबल पर आना चाहिए। अगर आए तो वो 3 से डिवाइड होगा, अगर नहीं आए तो वो नहीं होगा। जैसे हम इनको देखें, 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 और 1 22, 22 और 6 28, 28 और 8 36, 12 3 36 होता है, डैट मीन्स ये 3 से डिवाइड होगा। इनको देखें, 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 में 0 भी 15 ही होगा, डैट मीन्स ये भी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 के लिए हमारे पास क्या रहता है, लास्ट के दो डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हैं, तो सारा जितना मर्जी बड़ा नंबर हो वो 4 से डिवाइड होगा। मीन्स लास्ट टू डिजिट सिर्फ हम बात करें, लास्ट टू डिजिट का मतलब हम बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट की एंड टेंस डिजिट की, इकाई के अंक की और दहाई के अंक की। अब जो 00 है, 4 से डिवाइड होगा, डैट मीन्स ये 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा नंबर। यहाँ 20 है, तो डैट मीन्स ये नंबर भी हमारा 4 से डिवाइड होगा। 5 के लिए हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ पर जैसे 5 अंक थे, तो यहाँ यूनिट डिजिट मीन्स इकाई का जो अंक है वो 5 या 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर 0 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा, यहाँ भी 0 है, डैट मीन्स ये भी 5 से डिवाइड होगा हमारे पास नंबर। उसके बाद बात करते हैं हम 6 की। जो नंबर 2 और 3 की कंडीशंस को, 2 और 3 की डिविजिबिलिटी की कंडीशंस को फुलफिल करेंगे, वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। हम देखें, 2 और 3 के अंदर इस नंबर पर टिक लगा हुआ है, डैट मीन्स ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। यहाँ भी ये नंबर भी 2 और 3 से डिवाइड होते हैं, डैट मीन्स दिस नंबर भी 6 से डिवाइड होगा। आगे हम 7 को छोड़कर, इसके बाद हमारे पास इसके अंदर हम सिर्फ कंपोजिट नंबर्स की ही बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर सिर्फ हमने 2, 3 और 5 ये प्राइम नंबर्स लिए हैं, जिनकी हमने जिक्र किया, बाकी हम कंपोजिट नंबर की बात करेंगे। और प्राइम नंबर्स के लिए हमारे इसके सेकंड पार्ट, अगले पार्ट के अंदर, पार्ट 3 के अंदर आप इसको देख सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं 8 की, 8 के लिए यहाँ पर क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट मीन्स हमारे यूनिट डिजिट इकाई का अंक, टेंस डिजिट दहाई का अंक एंड 100 डिजिट मीन्स सैकड़े का अंक। अगर इन तीनों अंकों से बनी हुई संख्या भाई 8 से डिवाइड होती है, तो वो नंबर पूरा डिवाइड होगा। 800 डिवाइड हो जाएगा 8 से, 720 हमारे पास बात की गई है, डैट मीन्स ये डिवाइड होगा। 9 से हमारे लिए क्या है, अंकों का जोड़ 9 की टेबल पर आना चाहिए, सभी अंकों का जोड़। हमने इन अंकों को जोड़ा था, हमारा 36 आया था, दोबारा चेक कर सकते हैं, 9 3 12, 12 और 21, 22 22 और 6 28, 28 और 8 36, 0 जोड़ के 36 बनेगा, 9 चौके 36 होते हैं, डैट मीन्स ये डिवाइड होगा। इसमें क्या है, यूनिट हमारे पास, सॉरी, सम ऑफ डिजिट मीन्स अंकों का जो जोड़ है वो 9 की टेबल पर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, 4 2 6, 6 7 13, 13 2 15, 15 9 की टेबल पर नहीं आती, डैट मीन्स ये नंबर हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा। हम लास्ट एग्जांपल लेते हैं, 10 से बात करते हैं। 10 के लिए क्या चीज़ है, सिर्फ यूनिट डिजिट हमारा 0 होना चाहिए, अगर यूनिट डिजिट 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा, ये नंबर हो जाएगा, ये नंबर भी दोनों हो जाएंगे। 11 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, जो आप नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। हम 12 की बात करें, 12 हमारे पास एक नंबर हो गया कंपोजिट नंबर। 12 के अंदर 4 और 3 की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। 13 एक प्राइम नंबर है। 14 के लिए हमारे पास 2 एंड 7 की कंडीशन पूरी होनी चाहिए। 2 की वीडियो आपने यहाँ देखी, 7 की वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर दिखाई देगी। 15 हमारे पास फैक्टर्स, यहाँ पर हमें ख्याल रखना है कि हमें फैक्टर्स 2 है ऐसे बनाने कि जिनके अंदर कंडीशन पूरी, मैक्सिमम से मैक्सिमम पूरी हो। 15 5 एंड 3 की कंडीशन को पूरा करें, तो वो 15 से डिवाइड होगा। 16 के लिए, जैसे 4 के लिए हमारे लास्ट, 2 के लिए हमने एक डिजिट देखा, 4 के लिए हमने 2 डिजिट देखे, 8 के लिए हमने 3 डिजिट देखे और 16 के लिए हम 4 डिजिट देखेंगे हमारे पास। 17 हमारे पास है, हमारा एक प्राइम नंबर है, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे, हमारे पास हमारी फुलफिल करेगा। 18 के जो फैक्टर है वो 9 और 2 बनाएंगे हम, जो 9 और 2 की कंडीशन को फुलफिल करेगा वो नंबर हमारा 18 से भी डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। 19 हमारा एक
प्राइम नंबर है जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। और 20 के लिए हमारे पास हमारा क्या चीज़ है, फैक्टर रहता है, आप इसके अंदर हमारे फैक्टर 10 और 2 बनते हैं। जो 2 है वो, जो 10 है वो 2 की कंडीशन को फिलफिल करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक फैक्टर रहता है कि 4 और 5 जो हमारे दूसरे फैक्टर्स बन जाते हैं, क्योंकि आपस में उनका जो एच सी एफ वो 1 आ जाएगा। हमें इन फैक्टरों के अंदर यही ध्यान रखना होता है, यहाँ एच सी एफ 2 आ रहा है तो यहाँ एच सी एफ हमारे पास 1 आ रहा है, दैट मीन्स 4 और 5 की कंडीशंस हमारी पूरी होनी चाहिए। आप कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, जैसे आप 30 का एक एग्जांपल लें, 30 हम जानते हैं 20 की टेबल पर नहीं आता, लेकिन 4 पर देखिए हमारे पास 5 की कंडीशन वो पूरी करता है लेकिन 4 की कंडीशन वो पूरी नहीं करता, दैट मीन्स वो 30 20 की टेबल पर नहीं आएगा हमारे पास। ऐसी 21 की हम बात करें तो वो 3 एंड 7 की कंडीशन को पूरा करना चाहिए। आगे हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं, बस आपके उनके फैक्टर्स को ये ध्यान रखना हमें बनाते हुए कि दोनों का जो एच सी एफ है वो 1 हो, तो वो कंडीशन उस हिसाब से कंप्लीट करता हो, देन वो नंबर हमारे पास उससे डिवाइड होगा या नहीं होगा, हम इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। ओके थैंक्स फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल विजय टिप्स को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से भी इसको शेयर करें, कमेंट्स करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स से। ओके थैंक्स फ्रेंड्स।